यूरोप जैसे जैसे सर्दियों की तरफ बढ़ रहा है, एक नई कोविड लहर का खतरा भी गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उपलब्ध वैक्सीन के प्रकार पर भ्रम की स्थिति संभावित रूप से बूस्टर डोज को सीमित कर देगी। ओमिक्रॉन सब वेरियंट BA.4 और BA.5 जो बीती गर्मियों में हावी थे, अभी भी ज्यादातर संक्रमणों के पीछे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ओमिक्रॉन के नए सब वेरियंट सामने आने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने इस हफ्ते कहा कि वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के सैकड़ों नए स्वरूपों पर नजर रख रहे हैं। CNN की खबर के अनुसार बुधवार देर रात जारी किए गए WHO के आंकड़े दिखाते हैं कि टेस्टिंग में बड़ी गिरावट के बावजूद यूरोप में मामले पिछले हफ्ते 15 लाख तक पहुंच गए, जो एक हफ्ते पहले से 8% अधिक थे। हालांकि वैश्विक स्तर पर मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। हाल के हफ्तों में 27 देशों के साथ साथ ब्रिटेन के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रिटेन में 45% बड़े अस्पताल में भर्ती मरीज। एक स्वतंत्र साइंटिफिक फाउंडेशन गिम्बे के आंकड़ों के अनुसार 4 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते में इटली में लक्षणों के साथ कोविड-19 से अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 32% बढ़ी है, जबकि ICU में भर्ती होने वाले मामले पिछले हफ्ते की तुलना में 21% बढ़े हैं। इसी हफ्ते ब्रिटेन में कोविड से अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या पिछले हफ्ते की तुलना में 45% बढ़ गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।